नमस्कार, मैं आपके साथ मारूफ अली आपका स्वागत करता हूं एबीपीएस न्यूज में। आप देख रहे हैं मेरे साथ अहम खबरें। तहसील बिलासपुर के कस्बा केमरी के अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पति हाजी मुख्तियार अहमद ने कराया नगर पालिका केमरी में तैनात अब्दुल समद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जिसको चेयरमैन पति और अधिशासी अधिकारी केमरी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करवाया हुआ है। सरकारी कब्जे की शिकायत मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी महोदय से की, जिस पर जिलाधिकारी महोदय रामपुर के आदेश अनुसार नगर पंचायत केमरी में अवैध निर्माण तो रुकवा दिया, परंतु वह सरकारी जगह से कब्जा मुक्त नहीं कराई गई। सरकारी जमीन पर चारों तरफ से बाउंड्री होकर गेट लगा हुआ है। इतना ही नहीं, लगातार शिकायत होने के बावजूद नगर पंचायत केमरी के अध्यक्ष पति और अधिशासी अधिकारी ने अपने कर्मचारी अब्दुल समद को कब्जा कराने के लिए नगर पंचायत की भूमि 4/30 मकान नंबर व घर की चाटी हाउस टैक्स बना दी है, ताकि भविष्य में आसानी से कब्जा कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपीएस न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अंसारी है और मैं मोहल्ला सिंघाड़ियान वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत केमरी से सभासद हूँ। मामला क्या है आपका ये नगर पंचायत केमरी का? वे आपने ये ज्ञापन भी दे रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्या मामला क्या है, कहाँ का है ये? मामला ये साहब, अब से 2 साल पहले नगर पंचायत केवरी वार्ड नंबर 4 मेरे ही वार्ड में एक सरकारी चौक है, जो नगर पंचायत के कर्मचारी अब्दुल समद जो केमरी में ही तैनात है, यो साहब और अध्यक्ष महोदय से साठगांठ करके इसने इस सरकारी चौक जो लाखों की संपत्ति है चार दीवारी करके कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत मैंने तहसील दिवस बिलासपुर डीएम साहब से की बिलासपुर में तहसील दिवस में। तो डीएम साहब ने आदेश दिया नगर पंचायत को कि तुरंत इस अतिक्रमण को, इस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन तब से लेके आज तक नगर पंचायत फर्जी रिपोर्टें लगा के भेज देती है प्रशासन को और इस जगह को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है, जो कि लाखों की संपत्ति है। यहाँ पर मोहल्ले के बच्चे खेलते थे, शादी समारोह के प्रोग्राम होते थे, जो अब नहीं होते हैं कुछ चार दीवारी होने के बाद। आप मौजूदा सभासद हैं, जीओ साहब या चेयरमैन साहब से आपने इस चीज़ की बात की होगी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि आप जहाँ चाहो वहाँ शिकायत कर लो, ये हमारा कर्मचारी है और हम ही इस जगह को कब्जा करा रहे हैं अपने कर्मचारी को। ऐसा कोई सबूत है आपके? ऐसा जो है कहाँ है? मेरे पास हाँ ऐसा सबूत ये मेरे पास कुछ एविडेंस है। ये 50 रुपये का हलफनामा है, जो ना ही नोटेरी है ना ही वैध है, इसके आधार पे ये कब्जा करा रहे हैं। दूसरा, मैंने इनसे सूचना के अधिकार से 4 बिंदु मांगे थे, जिसमें इन्होंने स्वयं मुझे ये लिख के दिया कि ये जगह ना ही रजिस्टर्ड है और ना ही इसकी कोई रजिस्ट्री हुई है, ठीक। और तीसरा, इन्होंने ये भी कहा है इसमें कि इसका कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया है, बिना नक्शा पास कराए ये कर्मचारी चार दीवारी कैसे कर रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो नगर पालिका कर्मचारी है जी उन्हें अवैध रूप से कब्जा कर रखा है? जी, इसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और इससे पूर्व अब से 5 साल पहले यही कर्मचारी दूसरे अध्यक्ष महोदय की चेयरमैनी में हमारी मस्जिद का हुजरा कब्जा कर चुका है। हमारी मांग है ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उस जगह को कब्जा मुक्त कराया जाए।